ओके फाइन सो वगैन गुड इवनिंग टू यू ऑल एम आई ऑडिबल गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो इन द प्रीवियस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड रिलेशनशिप तो किसी को डाउट है क्या प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस कोई भी टॉपिक पे तो प्लीज एक बार बता दीजिए आप लोग सो देट आई कंटिन्यू अकॉर्डिंगली ओके नो प्रॉब्लम और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज टेल मी ओके सो नॉट एन इशू सो लेट्स स्टार्ट विध न्यू टॉपिक सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्शन टेस्ट ओके बेसिकली ये भी एक टॉपिक है जहां से आपको हर एक साल इक्वि या तो उसके लिए देखिए अभी आज आपके पास टाइम नहीं है सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन एज वेल एज डायरेक्शन सेंस टेस्ट मैं दोनों ही टॉपिक पिक कर लूंगा क्योंकि वी हैव लेस टाइम सो नेक्स्ट क्लास हो इट माइट बी पॉसिबल कि टू आवर्स की होगी तो हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे दैट्स आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है डोंट वरी आई डिस्कस डोंट वरी अबाउट दैट So today I'm going to discuss about the direction sense test. So anybody have idea ki question solve karte direction se related? So I guess you have to draw and solve. Okay. Take care. Uh, how you will draw, that's the main question. So I guess the question is basically like a person is traveling 10 metre east, hmm. then he hmm. goes somewhere up.

फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे सपोज आपको सबसे बेसिक आइडिया होना चाहिए दिस इज योर डायग्राम ठीक आपको एक ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड सपोज दैट यू आर हियर आप यहाँ पे अपने आप को कंसीडर करेंगे दिस विल बी योर नॉर्थ डायरेक्शन दिस विल बी योर साउथ डायरेक्शन दिस विल बी योर ईस्ट एंड दिस विल बी योर वेस्ट सिंपली आप इसको uh, मतलब माइंड में रखने के लिए आप कोई भी एक इंडिया uh, का मैप ही कंसीडर कर सकते हो बिकॉज दिस विल बी योर नॉर्थ पार्ट इन द मैप this will be your south part and this will be your east part and this will be your west part okay so aap isko simple way mein aise itna aapko dhyan rakhna hai and another thing is that ki aapko north to east east to south south to west or west to south ये जो भी एक वो होगा quadrant आपने अगर एट्थ uh, नाइन्थ में आपने क्वाड्रेंट भी पढ़ा होगा सो so बेसिकली आपको ये चारों ही क्वाड्रेंट 90, 90, 90 डिग्री के होंगे बेसिकली आई वॉन्ट टू से दिस कि ये जो चारों एंगल्स होंगे दीज आर ऑफ 90 डिग्री ठीक ये आपके छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप ये माइंड uh, में रखेंगे तो द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू अदरवाइज वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है सो so बेसिकली आपको यहाँ पे अपने आप को पॉइंट करना है अगर इनिशियल स्टेज की बात होगी वहां से आपको ईस्ट जाना देन यू विल मूव दिस साइड उथ की बात होगी मूव इन दिस डायरेक्शन साउथ ईस्ट की बात होगी दिस डायरेक्शन साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट जो भी बात होगी ठीक है तो दिस विल बी देश डायग्राम फॉर द डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज यूर क्लॉक सपोज सपोज दैट तो आपको वो कभी कभी क्वेश्चन देंगे कि वी आर मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिस क्योंकि आपकी क्लॉक इसी वे में जो है आपकी रोटेट होती है फाइन एंड इफ दे आर सी एंटी क्लॉक वाइज देन दैट विल बी लाइक दिस ओके सो ये आपके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा बेसिकली मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट these will be the direction and another thing this is your uh, uh, clockwise direction Tick. this will be your clockwise direction and this will be your anti clockwise anti clock means opposite to the clock fine anti clockwise and another thing was that these angles are of 90 degree fine ये आप लोग थोड़े से बेसिक यहाँ पे अगर आप ये माइंड में रखेंगे एंड बेसिकली सपोज दैट आपका कोई भी एक यहाँ से अगर डायग्राम डायगोनल ड्रॉ करेंगे सो दिस एंगल ये आपका टोटल एंगल अगर 90 डिग्री का है तो uh, ये वाला जो आपका पोर्सन होगा दिस पोर्सन दिस विल बिकम 45 डिग्री एंड दिस वन आल्सो बिकम 45 सो so ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका 45 फाइव प्लस फोर्टी दैट विल बिकम नाइन्टी डिग्री ये बहुत ही बेसिक है बट अगर आप इसको नहीं समझोगे तो अभी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ठीक एंड ये ओवरऑल एंगल जो होगा वो आपका 490 ठीक 90 डिग्री के आपके फोर एंगल्स होंगे दैट मींस इट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल दैट विल बी 360 डिग्री फाइन यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो देन प्लीज रेज योर हैंड अदरवाइज आई विल डायरेक्टली मूव ऑन द क्वेश्चन इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस यही बेसिक है इसमें सो इफ एनी बडी हैव क्वेरी देन प्लीज रेज योर हैंड समझ में आ गया सारा सबको प्लीज टेल मी आप लोग बताएंगे तभी मैं आगे ओके फाइन yes, okay, हाँ, तो आप लोग इसमें मेन ये है कि कि डायरेक्शन का क्वेश्चन कहीं भी आएगा जस्ट कीप इन योर माइंड आपको अपना याद रखना है 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 तो कंट्री में हेड पे क्या है? आपका, आपका, आपका uh, right नॉर्थ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है सो वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन डायरेक्टली सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है सो आई विल डिस्कस आफ्टर दैट मैं आपको वन बाई वन सारे क्वेश्चन करने के लिए बोलूँगा सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओके दलबीर इज फेसिंग साउथ ओके अगर कहीं पे डायरेक्शन की बात हो गई दैट मीन्स यू हैव द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायरेक्शन सेंस टेस्ट सो फेसिंग साउथ दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाना है दैट मीन्स दैट विल बी योर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सपोज दलबीर इज हियर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको सेंटर से सपोज करना है सो ही इज फेसिंग साउथ साउथ फेसिंग मीन्स लाइक दिस

ंगल इट माइट बी समेर हियर सो वो आपका मतलब दलबीर कहाँ से यहां से यहां तक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ आफ्टर दैट देन वन एटी डिग्री इन द क्लॉक डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन ही मीन्स मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द क्लॉक और एंटी क्लॉक जस्ट वन मिनट हाँ इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन फाइन सो इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो अगेन वॉट विल बी द डायरेक्शन अभी क्या था

वेस्ट एंड साउथ दैट मीन्स आपका ऐसा कोई ऑप्शन है साउथ वेस्ट ऑप्शन डी विल बी करेक्ट किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी एनी बडी अगर किसी को डाउट है तो मैं इसको रिपीट करता हूँ अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको डायरेक्टली यू कैन सॉल्व प्लीज टेल मी अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज रेज योर हैंड जयश्री आपको क्लियर है क्या है मनस्वी लीडिया मोनिका संजीव हैव डाउट सर क्लियर है अगर clear है तो बस हो गया एक क्वेश्चन बहुत है मेरी तरफ the से साउथ वेस्ट राइट यस 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 साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ जो भी आपका ऑप्शन होगा सो जस्ट ट्राई टू सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन अभी रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक सो कि इस पर मैं बार बार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जस्ट टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन में डाउट आएगा देन डेफिनेटली आई विल टेल यू आप लोग करने यू आर एबल टू डू और नॉट जस्ट टेल मी क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं वन दीपेश आपको क्लियर है कि नहीं मैं मैं repeat करूँ एक question और? Uh, yes, sir. Best answer. Yeah, क्या बेस्ट आंसर आंसर फॉर दिस परफेक्ट और बाकी लोगों का क्या स्टेटस है अनाय यो व्हाट्स योर स्टेटस यू आर एबल टू डू और नॉट ओके 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 एंड एनीबडी एल्स मनस्वी आपको क्लियर है आई थिंक सी लेफ्ट द ग्रुप मीटिंग नो नीड टू वरी अबाउट दैट सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग मुआंग कॉलेज स्टूडेंट इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट he turns 90 degree in the college uh, clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction which direction is he facing now okay this is your question so jabid direction ki baat ki, first of all you have to draw basic diagram like this north south east and west so your initial stage will be here a call, facing in the northwest so this is the basically northwest direction okay and turns 90 degree in the clockwise clockwise means this so suppose this will be 45 and this will be 45 but then the uh, means uh, stage after this uh, 90 degree rotation the stage will be here here moong will be here in this direction and 135 degree in the anti-clockwise direction 135 in the anti-clockwise means suppose this will be 45 degree and again uh, 90 plus 45 that will be 135 degrees. So, in the anti clockwise, that means uh, opposite to the clock. So, final uh, stay, uh, final direction of the move will be in this direction. And that is your west. So, the answer for this one will be west only. Clear, aka subko. Agar kisi ko you then please raise your hand. Please ask, otherwise, I'll move on the next question. Okay, fine. So, try to do this one. थोड़ा सा लेंदी है बट ऐसा कुछ नहीं है मीन्स वर्ड्स आर लेंदी बट आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी थिंग इन द क्वेश्चन सो प्लीज ट्राई टू डू एंड टेल मी द आंसर डायक्शन टेस्ट ब्लड रिलेशनशिप सेट थ्यूरी क्वेश्चन होते हैं टॉपिक so थोड़ा सा ये क्या है इसमें ट्रिकी है Means अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी वे में पिक कर सकते हो एंड दे आर रियली दे आर नॉट टाइम टेकिंगज क्वेश्चन विद इन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स

अब आप लोग पूछोगे तभी मैं बताऊंगा अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू सर आंसर क्या है इसका थर्टी फाइव मीटर्स तो सर डी हुआ ना हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ डी आंसर है तो बाकी लोगों को भी तो पूछना पड़ेगा डी विल बी द आंसर दैट इज राइट अभी क्या दीपेश आपसे हो गया क्या प्लीज टेल मी दीपेश आर यू देयर नो सर ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम चलिए मैं एक बार डिस्कस ही कर लेता हूँ नो वरीज ठीक है मैं इसको एक बार डिस्कस करता हूँ ओके राकेश स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट ठीक है कोई बात नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है अगर डायरेक्शन की बात होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट मीन्स इन दिस डायरेक्शन ओके ही स्टार्टेड वॉकिंग Uh, after walking seventy five meters suppose that he walked like this and this is the distance of seventy five meters fine he reached here mm, he turned left to the uh, turn turns to the left and walked twenty five meters straight again twenty five meters wo left turn hua. just a minute us diagram perfect hona just give me one minute okay so this will be north direction south east and west so first of all what 75 meter east and then uh, he turns left and move 25 meters in the uh, uh, turns left and walk 25 meters straight again he turns left left point in the uh, means west direction okay

बेसिकली so ये ट्वेंटी फाइव मीटर ये ट्वेंटी मीटर सो ऑब्वियसली ये भी आपका फोर्टी मीटर होगा ठीक सो so, यहाँ पे क्या हो गया ये टोटल डिस्टेंस आपका सेवेंटी फाइव मीटर है एंड दिस वन इज दिसव मीटर सो मीटर माइनस फोर्टी मीटर सो दैट विल बी थर्टी फाइव मीटर ठीक है सो थर्टी फाइव मीटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या प्लीज रेज योर हैंड क्लियर है दिपेस अभी आपको यस yes, सर Okay, fine. Not an issue. Okay, uh, we will move on the next question. So try to do this one. Niles leaves for his office from his house. He walks toward east after moving a distance of 20 meter. He turns toward south and walks 10 meter. Then he walks 35 meter towards the west and further 5 meter towards the north. He then turns toward east and walks 15 meter. What is the straight distance in meters between his initial and final points? so try to solve this one please take your time but don't do the attempt option okay don't do the wrong answer don't try to give the wrong answer आप टाइम ले सकते हो आपको जितना टाइम चाहिए बट आप उसको करेक्ट करिए नेगेटिव नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन दिस विल बी द मेन मोटिव ऑफ द सी सेट क्लास और डायरेक्शन के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो देखने में थोड़े से लेंदी जरूर होंगे बट आप अगर स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करोगे तो दे आर रियली वेरी इजी सो जस्ट ट्राई टू आंसर मी दिस वन एंड टेल मी वन थिंग वाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही देन जस्ट टेल मी अगर कॉन्सेप्ट में क्योंकि इसमें कोई स्पेशल uh, कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्सेप्ट इज सिंपल जस्ट uh, आपको माइंड में चारों डायरेक्शन रखना है क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज इट लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए तो यू कैन इमेजिन दैट पार्ट आल्सो सो इसके लिए क्या है आंसर एनीबॉडी

Means की जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था और जहां पे अभी आप जिस पॉइंट पे हो उन दोनों ही पॉइंट के बीच का क्या होगा में, उनके बीच की क्या डिस्टेंस है करेक्ट आंसर या कोई और भी बोला क्या अभी हेलोट

Distance of 20 meter. He turns towards south and walk 10 meter. So यहाँ से उन्होंने south की तरफ turn किया and he uh, means यहाँ पे वो 10 meters तक uh, वो चले. Then he walks 35 meter towards the west. यहाँ से 20 meter तो यहाँ आए then uh, this one. So this will be the total 35 meter towards west. Now the uh, he is here. And further 5 meter towards the north. यहाँ से 5 meter towards north.

What is the straight straight distance oh, yeah. in meters between his initial and final positions? यहाँ की डिस्टेंस आपको बतानी है ना स्ट्रेट मतलब सीधी सी डिस्टेंस बतानी है आपको जहां उनका जो इनिशियल पॉइंट है टोटल डिस्टेंस बोलता है वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड फ्राम हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन देन यू विल जस्ट काउंट ऑल द डिस्टेंसेज एंड टेल द आंसर डाउट है क्या किसी को इसमें प्लीज टेल मी आप लोग एकदम फ्रेंकली बोलिए कोई इश्यू नहीं है मैं बार बार बताऊँगा बट हाँ ठीक है जब तक आप लोग अपनी क्वेरी नहीं रेज करेंगे देन हाउ आई एल क्लियर प्लीज टेल मी किसी को डाउट है क्या इसमें ओके नो प्रॉब्लम So just try to solve this one. We know walks twenty meters toward north. He then turns left and walks forty meters. He again turns left and walks twenty meters further. He moves twenty meters after turns to turning to the right. How far far is he from his original position? Yeah, origin position. So just tell me the answer for this one. क्वेश्चन क्लियर हो रहे कि नहीं आप लोगों को प्लीज टेल मी आप लोग बताते भी चलें मुझे साथ साथ में अगर डाउट हो रहा होगा तो मैं इसके कॉन्सेप्ट को और भी रिपीट करूंगा या टेल इन द डिटेल मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी दैट्स वाई आई मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पिक किया हूँ किसी को कॉन्सेप्ट वाइज डाउट आ रहा है क्या इसमें

Uh, take your time but give the answer give the correct answer answer please हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन सर नहीं... हो रहा है भी मत बताइएगा मैं वैसे भी नहीं बता रहा डोंट क्वेश्चन प्लीज मेक योर डेवलप योर हैबिट कि आप लोग क्वेश्चंस को कर पाए न्यू क्वेश्चंस जब भी आपको मिले तो न्यू क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस कीजिए नॉट इवन इन सी सेट पेपर फॉर ऑल पेपर्स

कोई दिक्कत नहीं लीडिया आर यू एबल एंड आई थिंक मोनिका ने आंसर दे दिया है न ठीक है तो मुझे बताना है क्या इसको कि मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं किसी को ये पूछना है क्या एनीबॉडी हैव क्वेरी इन दिस क्वेश्चन देन प्लीज रेज योर हैंड अभी आप लोग पूछ सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि आप मतलब बाकी लोगों ने कर लिया तो आप वैरी? yes सर मेरे को एक डाउट है जैसे सर हम लोग अपने ईस्ट और वेस्ट ले रहे हैं तो वो सर ग्राफ के बेसिस पे लेते हैं कि मतलब

सो सपोज आई ड्रॉ दिस डायग्राम सो जो इसका फेस होगा ना अभी ये फ्रंट पे तो दैट विल मीन्स ही इज लुकिंग इन दिस डायरेक्शन तो अब आप उसको इमेजिन कीजिए कि आप सेंटर पे खड़े हुए हो अब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो सो यू विल मूव इन दिस डायरेक्शन अब नाउ यू आर हियर सो इफ आई विल से दैट कि आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट यू विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन तो लेफ्ट आपका ये होगा राइट right ये होगा आप अपने उस पर नहीं इमेजिन करना है अपना अपोजिट देखना है वहाँ पे अपने उस पर चलोगे तो ऑलवेज क्वेश्चन विल मतलब आपका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा ठीक है आपको डायग्राम में इमेजिन करके चलना है कि अगर पर, कोई पर्सन ऐसे आ, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए लेफ्ट क्या होगा नॉर्थ होगा एंड राइट साउथ होगा सपोज इज मूविंग इन द साउथ डायरेक्शन उसके लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा दिस वन एंड राइट दिस वन इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो आपका लेफ्ट ये होगा राइट right दिस होगा अभी क्लियर yes है, है क्या लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट ठीक है तो वो आपको डायग्राम के पर्सपेक्टिव में देखना है ना कि अपने पर्सपेक्टिव में ठीक है ओके नो प्रॉब्लम सो नाउ दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन किससे नहीं हुआ प्लीज रेज योर हैंड अगर सबसे हो गया देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं ऐसे नहीं हुआ ओके नो प्रॉब्लम आई विल टेल यू देखिए सबसे पहले कुलदीप स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट फाइन बेसिक डायग्रामदीप का सपोज दर्टी मीटर फाइन सो सपोज थर्टी मीटर की डिस्टेंस यहाँ तक हो गई दिस विल बी थर्टी मीटर डायरेक्शन थर्टी मीटर डिस्टेंस इन द वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर दैट ही अगेन टर्न टूअर्ड राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर्स सो so, यहाँ से इनका राइट right, ये वाला पोर्शन हुआ 20 मीटर उन्होंने राइट right मूव किया सपोज ही इज हियर ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर सो यहाँ से वो 10 मीटर मूव किया ठीक इन द लेफ्ट ओके टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड सपोज जस्ट अ मिनट ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीट अगेन यहां से

क्लियर है क्या अभी आपको जयश्री हाँ अभी क्लियर है ओके फाइन ठीक है सो so जस्ट we'll ये बताइए okay, uh, है ठीक मिनट का है, कोई इशू नहीं है बेसिकली ठीक है कोई दिक्कत नहीं जस्ट ट्राई टू डू दिस वन Tell me the answer for this one. Well, is this not that I can see okay. uh, I think your answer is correct just we'll wait for uh, other students as well a right runs 20 uh, minute towards east and then turns a right runs 10 minute and turns to right runs 9 minute and again turns to left runs 5 minute and then turns to left runs 12 minute and finally turns to left and runs 6 minute now which direction is राइट फेसिंग सो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी की उसमें है तो आई डों so मुझे बताना है सो प्लीज ट्राई टू डू दू दिसंपल आपको सेंटर में रखना है वहां से ईस्ट देन राइट दैट मीन्स साउथ एंड देन अगेन राइट राइट दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट ठीक है नॉर्थ है तो ठीक है वो तो ठीक है

दीपेस। Lydia, have you done? आपका हो गया मनस्वी हुआ कि नहीं हुआ दे दिया आंसर। अच्छा हाँ। आपने दे दिया, व्हाट अबाउट यू हो गया ओके फाइन मोनिका डन जयश्री आपका हुआ क्या नहीं सर ओके नो प्रॉब्लम जस्ट आई टेल इट अगेन ठीक है देखिए सबसे पहले डायरेक्शन की बात है सिंपल आपको चलना है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड देन वेस्ट अब आपको यहाँ पे आपका राइट बैठा हुआ है राइट टर्न रन्स टू 20 सपोज uh, दैट ये आप मीटर ही कंसीडर कीजिए सेंटीमीटर 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ईस्ट में मूव किया सपोज हियर ट्वेंटी मीटर एंड ट राइट एंड रन टेन मीटर ठीक है यहाँ से उन्होंने राइट right टर्न किया सपोज हीयर टेन मीटर एंड टर्न्स टू राइट एंड रन नाइन ओके नाइन इज हर सम हाउ हीयर ठीक है अगेन टर्स टू लेफ्ट रन फाइव मीटर सपोज लेफ्ट यहाँ पर हुआ कहीं पराइव एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट रन ट्वेल्व ठीक है यहाँ से उनको ट्वेल्व आवर आपको रन कराना है लेफ्ट डायरेक्शन में ओके नो प्रॉब्लम दिस विल बी ट्वेल्व तो यहाँ पे डायरेक्शन हुई रन लेफ्ट एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन सिक्स ठीक है यहाँ से अगेन सिक्स रन किया कुछ भी हो सकता है सिक्स मीटर सो दिस दिस विल बी द फाइनल पोजिशन नाउ विच डायरेक्शन राइट इज फेसिंग तो यही डायरेक्शन हुआ ना यहाँ पर भी दैट मीन्स द नॉर्थ विल बी द आंसर फॉर दिस वन ऑल्सो अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है प्लीज टेल मी बेसिकली आपको जो भी प्रॉब्लम दिया होगा जैसे जैसे उन्होंने बोला है सेम वर्ड्स पे आपको चलते जाना है बट पेन और पेपर के साथ चलना है आपको माइंड के अंदर से आप नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन अभी क्लियर है कि नहीं जयश्री प्लीज टेल मी सर क्लियर है ओके सो जस्ट ट्राई टू डू दिस वन ये वाला आप लोग कोशिश कीजिए नो 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 ईस्ट वॉज नहीं नहीं ईस्ट नहीं है नॉर्थ वॉज द राइट आंसर ना नहीं क्लियर हुआ क्या आपको बेसिकली नो 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 प्रॉब्लम जस्ट टेक योर टाइम एंड आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा वहां पे आपके ड्राइव पे मिल जाएगा तो जस्ट यू कैन गो अहेड विद सो जस्ट ट्राई टू डू दिस वन ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है जस्ट ट्राई टू डू दिस वन

डिग्री की बात हो रही है कि मिनट की मीटर की बात हो रही है सर सॉरी सर थर्टी मीटर ओके फाइन ठीक है उसके बाद देन थर्टी मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है तो आप कहाँ से तो लोगी ये तो सर वह तो सर उसके लेफ्ट से लेंगे ना सर हाँ ठीक है ठीक है तो थर्टी मीटर साउथ वेस्ट में आ जाएंगे सर लेफ्ट थीक. जाएंगे तो � और फिर, फिर सर थर्टी फिर वो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका पॉइंट तो सर नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है ना सर ओके ओके फाइन ठीक है ठीक है ठीक है बाकी लोगों से हुआ कि नहीं हुआ जस्ट आई आई एक्सप्लेन डोंट वरी लीडिया आर यू एबल टू डू दिस वन और नॉट नो सर गेटिंग नॉर्थ बट नो ओके सबसे पहले ही आ रहा है अगर हम देखते हैं यहाँ पे पूछा है कि टर्स टू वॉट हाउस तो हाउस उसका नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुआ ना जस्ट अ मिनट आई विल सी देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट दिस विल बी साउथ वेस्ट एंड दिस विल बी साउथ ईस्ट फाइन ये तो क्लियर होना चाहिए

आपका ये पॉइंट हुआ नॉर्थ वेस्ट का थर्टी मीटर ठीक अब इस पॉइंट से सपोज आपने एक ये ड्रॉ कर दिया डायग्राम ठीक यहाँ पे अब आप इस पॉइंट पे हो इस पॉइंट से आपको क्या करना है सी फर्टी मीटर नॉर्थ वेस्ट यहाँ तक तो क्लियर होगा देन थर्टी मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन सो इसको अगर आप इनिशियल पॉइंट मानोगे तो व्हाट विल बी योर डायरेक्शन फॉर द साउथ वेस्ट फ्रॉम हियर सपोज दिस विल बी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सो साउथ लाइक दिस ये क्लियर है क्या अभी आप लोगों को अगर इसमें डाउट होगा तो आप लोग मुझे एक बार बोल सकते हो थर्टी मीटर सो हीस्ट सी वॉक्स थर्टी मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन सो दिस सपोज दिस इज द डायग्राम यहाँ पे आप इसको लोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सो साउथ दिस विल बी दाइनल डायरेक्शन फॉर दिस वन सो थर्टी मीटर दिस वन सो ये अभी आपका सपोज यहाँ पे है

मतलब सर यहाँ पे बेसिकली हर जगह पे ग्राफ बनाना है हर पॉइंट हाँ, पे हां आप वो दैट विल बी इजी फॉर यू मतलब आप उसको कर सकते हो डायरेक्टली भी बट अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो दैट विल बी रियली इजी फॉर यू अभी क्लियर है कि नहीं सबको यस आईट्स क्लियर ओके फाइन आप लोग अगर जैसे कब जब डायगोनल डायगोनल मींस जस्ट अ मिनट जब बात हो जाएगी सपोज दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट बट किसी भी एक क्वेश्चन में मोर देन वन डायगनल डायगनल मीनस दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन सपोज हियर एंड देन मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में मूव हो रहा है यहाँ से सिंपली यू कैन ड्रॉ द डायग्राम हियर फॉर द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द गि लोकेशन एंड जस्ट ड्रॉ देट तो वहां से आपको दैट विल बी रियली इजी फॉर यू अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है अभी क्लियर है क्या ये क्वेश्चन Yes, yes. Yes. नया था हाँ ठीक हाँ, है नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं क्या है ना कि आप इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ जाता हूँ so सारे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट वाइज अगर क्लियर करूंगा तो वो आपको टाइम टेकिंग भी होगा और दैट विल नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो इन दी साइड सेक्शन स्पेशली मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन तो आप जितना ज्यादा करोगे

दैट्स वाई कि आप अगर ग्राफ के साथ जाओगे तो बस और ग्राफ तो आपके माइंड में इंडिया का मैप आप याद कर लो अप डाउन राइट एंड लेफ्ट देट इट नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और आपको कुछ यहाँ करना ही नहीं है ठीक है सो जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन

Sir, oh, जाना, okay. पड़ेगा जाना पड़ेगा ना। फेसिंग साउथ में आपको ईस्ट जाना पड़ेगा दिस साइड सही आर सर। वेस्ट जाओगे ना आप ईस्ट कैसे जा सकते हो सर आई एम कंफ्यूज ठीक अरे आप फिर से बताइए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखो ना आप ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसका ईस्ट आप, आप यहाँ पे हो, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका लेफ्ट येगा राइट येगा इफ यू आर मूविंग इन द साउथ डायरेक्शन आपका लेफ्ट ये वाला पोर्सन होगा राइट right ये वाला होगा इफ यूर यू आर मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन आपका राइट right ये होगा लेफ्ट ये होगा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड

ठीक है ठीक है कोई इशू नहीं ठीक है ट्वेंटी मीटर दिस साइड देन आई टर्न राइट एंड अगेन वॉक टेन मीटर सो टर्न राइट टेन मीटर आप यहाँ पे मूव किए हो दिस इज टेन मीटर सो प्लीज नोट इट डाउन एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर ठीक है यहाँ से आप ट्वेंटी मीटर ये हो गया आपका यू आर हियर फाइन

पे आप हो आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है आई टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर सो ट्वेंटी मीटर हियर ठीक देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक टेन मीटर ठीक राइट अगेन टेन मीटर

वो वेस्ट की तरफ को जाएगा ना ओके 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 हाँ अभी मुझे क्लियर हो गया ठीक है ठीक है सॉरी सॉरी जस्ट वन मिनट फाइन फाइन ठीक है दिस विल बी योर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सो दिस विल बी योर ट्वेंटी मीटर फाइन आफ्टर दिस आपका आई टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर एंड आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक टेन मीटर ओके okay, ये ये वर्ड जो था ना ये लेफ्ट है एंड आई वाज जस्ट रीडिंग इट राइट दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे गलत कर रहा था सो फ्रॉम हियर आपका क्या हो गया टर्न राइट टेन मीटर ठीक अगेन देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक टेन मीटर सो लेफ्ट लेफ्ट टर्न ये होगा ना यहाँ से दिस विल बी योर टेन मीटर एंड देन टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर सो बेसिकली फ्रॉम हियर वेन यू विल टर्न राइट सो आपका ये डायरेक्शन ना आप इस डायरेक्शन में राइट right जाओगे ट्वेंटी मीटर

Please check it again. East होगा. किसी को हो हो तो बताइए. मैं इसको repeat कर देता हूं. Clear है है. कि नहीं अभी? Sir, मुझे और right में बहुत ज़्यादा गया वो आप प्रैक्टिस कीजिए देर आर सो मेनी क्वेश्चन ऑलरेडी ऑन दिस मीन स्लाइड अभी स्लाइड पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सो यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल क्वेश्चन आप इसको करिएगा ठीक yes, है sir. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिस ऑलरेडी प्लान की मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बट थोड़ा सा आज टाइम का वो है जैसे अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है वो केस सपोज यहाँ पे आपको ट्वेंटी है उन्होंने क्या बोला है आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन कंसिडर करके क्वेश्चन करना होगा मीन्स इन जनरल आप क्या कंसिडर करते हो दिस विल बी योर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट बट उन्होंने क्या बोला नॉर्थ को आपको ईस्ट लेना है साउथ को आपको एज ए वेस्ट लेना है एंड ईस्ट को आपको एज ए साउथ लेना है एंड वेस्ट को एज ए नॉर्थ लेना है तो यू विल मूव बाई दाम फॉर द द्वेशन टी एटी टू सो आप इन क्वेश्चन को आपको करना है ठीक है तो आई 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 विल विल अपलोड ऑल दीज क्वेश्चन ऑन योर गूगल ड्राइव एंड डू वन थिंग कि मैं ये सारे क्वेश्चन आपको मीन्स आपका जो वो है ना एनसीआर टी ड्रिल वाला जो ग्रुप है आई विल शेयर देयर ऑल्सो ठीक है अभी किसी को डाउट है क्या इनमें मीन्स अगर किसी को इसके कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा हो तो प्लीज टेल मी डायरेक्शन को लेकर के अगर कोई क्वेरी है तो अब आप यहाँ सिंपल सा देख लीजिए मैंने एक लेफ्ट को राइट right पढ़ मीन्स मैंने एक लेफ्ट को राइट right पढ़ लिया तो मेरा आंसर ही पूरा स्विच हो गया मीन्स चेंज हो गया सो so, आपको कुछ भी नहीं करना है जैसा भी होगा सपोज आप ईस्ट east, ईस्टवर्ड जा रहे हो तो ईस्ट के लिए आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा दिस विल बी योर लेफ्ट एंड दिस विल बी योर राइट If you are moving in the southward, then this will be your left, and this will be your right. And if you are moving in the west direction, then this will be your right, and this will be your left. And in, if you are moving in the uh, has out. yeah, please. In this question, uh, we got east. Okay. Okay. Yes. Uh, but when you drew the picture, uh, there was one sixty meter, right? So okay. it basically crossed that direction ka jo separation wala line hai. हाँ हाँ ठीक है द लाइक विद सपोज द डायरेक्शन ओके हाँ ठीक है आई डोंट थिंक यू वुड कंसीडर दैट एज वन रीजन व्हाई यू Took it as east बेसिकली यू लुक एट द डायरेक्शन इन व्हिच यू आर फेसिंग राइट ओके जस्ट मिनट अभी एक कोई हाँ ओके ओके जस्ट मिनट ठीक है ठीक है अभी हां बिकॉज़

जस्ट अब uh, मैंने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी थी ना फ्रॉम इनिशियल इनिशियल आपका क्या होगा ओरिजिन बेसिकली दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट तो ओरिजिन से अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ कहीं पे हो दैट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन क्लियर है क्या अभी किसी okay. को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में नो 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 प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आप क्वेरी रेज कर सकते हो आपसे हमको भी सीखना है हमसे आपको भी सीखना है नो प्रॉब्लम ठीक है कोई बात नहीं ये तो ठीक था ये मनस्वी आपको क्लियर है कि नहीं प्लीज टेल मी डायरेक्शन में आप ऐसे याद कर लो लेफ्ट में अगर जाते हो सॉरी oh, ईस्ट में जाते हो तो नॉर्थ साइड लेफ्ट होगा साउथ साइड राइट होगा और उसी का अपोजिट आप वेस्ट के लिए माइंड में रखिए एंड नॉर्थ का आप माइंड में रखिए तो आपका साउथ का उसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल वे में अदरवाइज आप खुद को इमेजिन कर लो ना आप चलते चलते अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ईस्ट से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो दैट विल बी नॉर्थ एंड राइट जाओगे दैट विल बी योर साउथ और ये ये आपको बेसिकली जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी रियली इजी फॉर यू आप आसानी से उसको कर सकते हो ठीक है अभी और किसी को कोई डाउट है क्या प्लीज रेज योर क्वेरी

ये सारे क्वेश्चन आप लोग आई थिंक इस वीक में मेरी क्लास अभी नहीं होगी एंड फ्राइडे विल बी हॉलीडे फॉर यू ऑल सो आप लोग ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आप सॉल्व कीजिएगा और अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास और उसके साथ वी विल पिक द क्वेश्चन रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन एज वेल एज डायरेक्शन सेंस टेस्ट इन दोनों के आपको टेस्ट के मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी uh, मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास में